जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि MI A3 के अंदर एक साउंड का प्रॉब्लम आ चुका है यार। दोस्तों यहाँ पे हम अपने MI A3 के अंदर जो लाउड स्पीकर को बढ़ाने के लिए या थोड़ा वॉल्यूम उसका बढ़ाने के लिए वो कैसा करना चाहिए, एक छोटा सा ट्रिक मैंने इस फोन के साथ यूज किया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर अगर किसी यहाँ पर जैसे मैंने इसको प्ले किया तो मैं चाहता हूँ इससे और भी बढ़िया हो जाए तेज, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों एक एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इसका नाम है स्पीकर बूस्टर, ठीक है? तो इसको टैप करिए, जैसे आप टैप करोगे तो उसके आपके सामने इस टाइप का सीन क्रिएट होगा। अभी ये जस्ट ओपन हो रहा है तो वार्निंग लिख रहा है, तो वार्निंग इसलिए लिख रहा है प्लेइंग ऑडियो एट हाई वॉल्यूम कैन डैमेज योर हेयरिंग और डिस्ट्रॉय स्पीकर और अदरवाइज डैमेज योर डिवाइस। मैं तो यही कहूँगा कि आप फुल वॉल्यूम ना दीजिए, मिनिमम लेंथ रख के आप यूज करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये जो वॉल्यूम बूस्ट है ना इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्लाइटली यानी 12 में रखता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चला गया, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद शो वॉल्यूम कंट्रोल को टैप कर दीजिए और यहाँ पे कुछ और चेंजेस रहता है उसको आप अगर मैक्सिमम करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे आपको सिंपल जो कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है 100% है, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे 50% रहता है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए और वॉल्यूम आगे करिए। अब जाके जो प्ले देख रहे थे, जो वीडियो वगैरह जो सॉन्ग हम सुन रहे थे उसके ऊपर टैप करके एक बार दोबारा प्ले करके देखते हैं उसका कैसा म्यूजिक आ रहा है। यहाँ पर मैंने NCS ब्लॉक के अंदर चला गया तो इसके अंदर कोई म्यूजिक अगर हमें प्ले कर दिया, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लाउड हो गया आई थिंक। अगर कोई नॉर्मल वीडियो देखते हैं जैसे मैं अपना खुद का वीडियो देखता हूँ, एक वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ जो आज ही मैंने अपलोड किया था। मैं वॉल्यूम बूस्टर ऑन कर रखा हूँ, अब मैं प्ले कर रहा हूँ। LG की तरफ से कि टॉप 10 एंड्रॉइड फोन को एंड्रॉइड 10 की अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है। A1 सीरीज को पीछे फेंक दिया है क्योंकि MI A1 और MI A2 लाइट को मुश्किल होता जा रहा है कि इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना बड़ा सा आवाज आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके उस वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, टोटल बूस्ट वॉल्यूम को ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद मैं जाके प्ले करता हूँ मैं अपना वीडियो, आप ये खुद देख लीजिए फुल वॉल्यूम है और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। अब आते हैं LG की तरफ, कौन सी हैंडसेट को LG वाला मॉडल में आपको देखना। अब सेम चीज मैंने उसको बढ़ा के आपको बताऊंगा तो आपको पता चली जाएगा। यहाँ पर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे 17 कर दिया और मैं चला गया उस पेज पे जहां पर मेरा वीडियो है। मॉडल में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 10 का LG V40, LG V50, LG G8A। तो दोस्तों ये ना कमाल की यहां पर वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जब आप इसको बूस्टर वाला यूज करते हो जो कि स्पीकर बूस्टर। यहां पे देखिए बूस्टर मैंने 17% रखा हूं और आप अगर यहां पे फुल यूज नहीं करते 17 या 20 के अंदर रहते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस बीच में आपको बिना ईयरफोन में भी बड़े अच्छे से सुनाई देगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, आप यूज करके देखना, हो सकता है आपको कभी MI A3 यूज करते टाइम आपको थोड़ा सा लाउडनेस कम आए तो ये वाला फीचर्स लगा के आप यूज कर सकते हो, तो जो लाउडिंगनेस है वो काफी बढ़िया रहेगा। आप किसी भी डे दिन के टाइम किसी भी क्लाउड प्लेस में हो तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।